नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। केंद्रीय मंत्री व सांसद जनरल वीके सिंह गुरुवार को गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पहुंचे। उनके साथ मेयर और तमाम अधिकारी भी पहुंचे और छठ घाट का उद्घाटन किया। पूर्वांचल और बिहार समाज के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में तमाम स्थानों पर छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे बड़ा आयोजन हिंडोन घाट पर होता है और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए भोजपुरी अंदाज में जनरल वीके सिंह ने सभी को छठ पर्व की बधाई दी। गाजियाबाद में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आगामी 2 नवंबर को देश भर में यह महापर्व मनाया जाएगा, जिसके चलते गाजियाबाद के हिंडन घाट पर सफाई का कार्य 2 हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हिंडन घाट पर सफाई का कार्य किया गया है। यहाँ का सौंदर्यकरण विशेष रूप से करवाया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सीढ़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष हिंडन घाट पर 6 सीढ़ियां विशेष रूप से बनाई गई हैं और साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इनको चौड़ा भी किया गया है। हिंडन घाट पर श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष प्रबंध किए गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ घाट पर बिजली, पानी के साथ साथ मोबाइल टॉयलेट और महिलाओं के लिए विशेष रूप से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे मठ दिखाई दे रहे हैं, जिन पर श्रद्धालु व्रत रख के अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपने भगवान से अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए वर पाते हैं। इसके चलते ही साथ ही यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए यहाँ पर इस पर विशेष रूप से बैरिगेटिंग्स की गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर व्रतियों के लिए बहुत ही विशेष प्रबंध किए गए हैं। आज केंद्रीय मंत्री सांसद जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर पहुँचे। छठ घाट पहुँचे जनरल वीके सिंह व अन्य लोगों ने यहाँ हरी झंडी दिखाकर घाट का उद्घाटन किया। उनके साथ मेयर आशा शर्मा, मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह, सीओ बॉर्डर राकेश मिश्रा व नगर निगम के जोनल प्रभारी एस के गौतम भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हिंडन घाट के अलावा गाजियाबाद में और भी 53 अस्थायी घाट बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा आयोजन हिंडन घाट पर ही होता है। मीडिया से बात करते हुए जनरल वी के सिंह ने सभी देशवासियों को इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह वर्ष सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। गाजियाबाद से सीएमएन न्यूज़ के लिए सीमा गुप्ता।